हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 रिलीज अ साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है द गर्ल इन द क्लोसेट। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है। तो पहले हम इस फिल्म की कहानी को जानेंगे और उसके बाद बात करेंगे इस फिल्म के पीछे छुपे रियल इंस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की कैमरन को दिखाते हुए, जिसके 10th बर्थडे पर उसके माँ पैट्रिशिया ने एक बहुत ही खूबसूरत पार्टी अरेंज किया था। उसके सारे दोस्त और रिलेटिव्स को भी बुलाए थे, सिवाय अपने बड़ी बहन मिया के, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद जो नहीं करती थी। एक्चुअली मिया एक एक्स कन्विक्ट रह चुकी है, जिसने एक आदमी का खून किया था, वो भी हैमर से मार के बहुत ही ब्रूटली। सबको लगता था वो एक्ट सेल्फ डिफेंस में था, लेकिन पैट्रिशिया ने कभी यकीन नहीं करी। इवन उसके सिबलिंग्स तो कई बार उसे समझाने की बहुत कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें मिया का असली रूप कहाँ पता था। सिर्फ वो जानती थी वो औरत बिल्कुल भी ट्रस्टवर्थी नहीं है। असल में बचपन में उनके माँ के मौत के बाद पैट्रिशिया को कुछ साल मिया के साथ रहना पड़ा था, तब वो उस पर बहुत जुल्म करती थी, मेंटली एंड सेक्सुअली। पैट्रिशिया आज तक उन यादों को भुला नहीं पाई, उसके नाम से घिन आती है उसे। इसलिए जब मिया और उसकी बेटी एंजेला ढेर सारी गिफ्ट्स लेकर उसके दरवाजे पर आकर हाजिर होती है, पैट्रिशिया उन्हें वापस भेज देती है। एक भी चीज एक्सेप्ट नहीं करती वो, ना कोई गिफ्ट्स ना कैश। क्लियरली वो जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहती थी और अपनी बेटी पर तो उनका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी वो। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। इसके ठीक कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि पैट्रिशिया को खुद अपने बच्चे को सौंपना पड़ता है उसी औरत के हाथ। एक दिन घर में अचानक ही बात करते करते गिर जाती है वो, सेंसलेस हो जाती है और उसके कान से खून निकलने लगता है। कैमरन टाइम वेस्ट नहीं करती, उसी वक्त इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके अपने माँ को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं से बाकी सबको कॉन्टैक्ट किया जाता है। अगले 3 हफ्तों तक कोमा में रहती है पैट्रिशिया। उसे एन्यूरिज्म नाम की बीमारी हुई थी, जिसके चलते वो इतनी कमजोर पड़ गई थी कि बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं बची थी उसमें, तो अपने बच्चे का ख्याल वो कैसे रख सकेगी। और उसका सिचुएशन इतना क्रिटिकल था कि उसे कंप्लीट रिकवर करने में कई महीने लग सकते थे, मे बी 1 साल। तब तक डॉक्टर ने उसे कोई भी हैवी वर्क करने से मना किया था, इससे उसका लाइफ रिस्क हो सकता था। ऐसे में दिल पर पत्थर रख के एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है पैट्रिशिया को। अपनी बेटी के भलाई के लिए ही उसे किसी और के भरोसे छोड़ना पड़ता है। उसकी फर्स्ट चॉइस थी उसकी ही कोई सिस्टर, लेकिन मियाँ के अलावा किसी और का सिचुएशन फेवरेबल नहीं था, इसीलिए फर्स्ट ऑफर उसे ही दिया जाता है और वो खुशी खुशी राजी भी हो जाती है। खुद से हॉस्पिटल जाकर पैट्रिशिया से मिलती है और प्रॉमिस भी करती है कि जब तक वो बिल्कुल फिट ना हो जाती है, कैमरन की देखभाल वो ही करेगी, बिल्कुल एक माँ की तरह। अतीत के सारे बिटर मेमोरीज को भुला चुकी थी वो और पैट्रिशिया से भी वही उम्मीद कर रही थी। आखिर रिलेटिव्स तो ऐसे वक्त पर ही काम आते हैं ना। पैट्रिशिया और मना नहीं करती, उसे भी लगता है कि शायद वक्त के साथ साथ मियाँ बदल चुकी है, तो वो परमिशन दे देती है और मियाँ उसी दिन सारे ज़रूरी पेपर सबमिट कर देती है। कैमरन भी काफ़ी खुश थी, अपने रिच आंटी के साथ रहने जा रही है वो, ज़रूर बहुत गिफ्ट्स मिलेंगे उसे। इसी उम्मीद में उनके घर में पहला कदम रखती है वो। मियाँ अपने न्यू बॉयफ्रेंड क्रिस और मेट नैन्सी से उसे इंट्रोड्यूस भी करवाती है और फिर उसे ही इंस्ट्रक्शन देती है कैमरन को उसका रूम दिखाने के लिए, जो सरप्राइजिंगली घर के बेसमेंट में था। इतना अंधेरा था वहाँ कि क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, साथ में अजीब सी बदबू भी आ रही थी। कैमरन को बहुत डर लगने लगता है, तो वो अंदर जाने से मना कर देती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि यहाँ उसके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा। क्रिस उसे फोर्सफुली उठाकर नीचे छोड़ आता है और कैमरन रूबरू होती है एक भयानक सच्चाई से। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है उसकी माँ क्यों उसे इस औरत से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि ये औरत सच में ही ईविल है। इस अंधेरे बेसमेंट में अपने काले राज को छुपा रखा है उसने। कैमरन पहले तो कुछ क्लियरली समझ नहीं पाती, पागलों की तरह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, मगर नैन्सी उसे समझाती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं, दरवाजा नहीं खुलने वाला। वो ही उसे शांत करती है और बाकी सबसे मिलवाती है। हाँ, यहाँ नैन्सी की तरह और भी 2 लोग थे, जुआन एंड हर्ले नाम से। वो दोनों हैंडीकैप्ड थे, इसीलिए मेट का काम मेनली नैन्सी को ही करना पड़ता था, लेकिन ये लोग असल में कोई मेट नहीं थे, क्योंकि मेट्स को तो काम के बदले में पैसे मिलते हैं जो इन्हें नहीं मिलता, बल्कि ये तो स्लेव्स हैं मियाँ के। मियाँ उन्हें फोर्सफुली यहाँ कैद रखती थी और उनके डिसेबिलिटी चेक्स पर अपना पॉकेट भरती थी। सिर्फ यही नहीं, इनका इस्तेमाल फार्म एनिमल्स की तरह भी होता था।
हॉलैंड के जरिए जुआन और नैन्सी दोनों को ही कंसीव करने पर मजबूर करती थी मियाँ, और उनके बच्चों के बदले में उसे मोटे रकम का कस्टडी चेक्स मिलता था। शायद इसीलिए बेसमेंट का एक हिस्सा कर्टन से कवर्ड था, जो कैमरन को पहले वॉशरूम लगा था, लेकिन यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी तो है ही नहीं, बस एक बकेट दिया गया था। बाकी देखने लायक यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, चार बेड्स और चार पिलोज। लेकिन वहीं कैमरन हैरानी से देख रही थी, असल में कोई जगह इतनी भयानक दिख सकती है उसे तो पता ही नहीं था। देखते देखते एक साल बीत जाता है, और इस एक साल में बहुत कुछ देखना पड़ता है कैमरन को, बहुत कुछ सुनना पड़ता है जो शायद इस उम्र में उसके लिए ठीक नहीं था। मगर मियाँ को उसकी फिक्र ही कहाँ थी, उसे तो बस जैसे तैसे इन लोगों को जिंदा रखना था, जितना हो सके काम करवाना था, और जितना हो सके कम खाना देना था। साथ में ओकेशनल टॉर्चर तो था ही, जैसे एक बार जब नैन्सी काम कर रही थी तो उससे गलती से एक फ्लावर वास टूट जाता है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसे अपना हाथ जलाकर। मियाँ खुद बर्नर ऑन करके उसका हाथ डाल देती है उसमें। और फिर एक दिन जब जुआन ने भागने की कोशिश करी तो क्रिस ने उसकी बहुत पिटाई करी, उसके माथे से खून बहने लगा, हाथ पैर हर जगह चोट पहुंची, और फिर उसे उसी हालत में बेसमेंट के सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। वहीं पर पड़ी रही बेचारी अगले कई दिनों तक, कोई ट्रीटमेंट या दवाई के बिना ही, क्योंकि उनके लिए खर्च करना मियाँ के लिए वेस्टेज था, और वैसे भी बच्चे देने के सिवा उनका और काम ही क्या था। अपने आंखों के सामने ये सब देखकर कैमरन और सहम सी जाती है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे यकीन था कभी ना कभी वो यहाँ से जरूर निकलेगी। उधर उसकी माँ पैट्रिशिया भी यही उम्मीद लेकर बैठी थी। फाइनली पूरे एक साल बाद रिकवर कर पाई थी वो, और करते ही वो सबसे पहले कैमरन को अपने पास वापस लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मियाँ के एड्रेस पर जाने पर उसे पता चला मियाँ तो यहाँ रहती ही नहीं है, ना उसका कोई फ़ोन नंबर काम कर रहा था, ना और किसी रिलेटिव से उसका कोई कॉन्टैक्ट था, वो तो जैसे गायब ही हो गई थी। पैट्रिशिया उसी दिन चाइल्ड केयर ऑफिस में कंप्लेन करती है, और तब जाके एक भयानक फ्रॉड सामने आता है। पता चलता है लास्ट ईयर जब ये केस इन लोगों के हाथ लगा था, इन लोगों ने तो ठीक से चेक किए बिना ही सारे पेपर्स अप्रूव कर दिया था। जो ऑफिसर इंचार्ज था मिस्टर जॉश गुडमैन, वो तो कभी मियाँ के घर गया ही नहीं, ना ऑनलाइन मियाँ का रिकॉर्ड चेक किया, जबकि वहाँ क्लियरली उसके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में मेंशन था कि मियाँ एक क्रिमिनल है। उसने इंटेंशनली सिर्फ एक आदमी की ब्रूटल पिटाई ही नहीं करी, बल्कि कई दिनों तक उसे क्लोजेट में भी बंद रखा, जहाँ स्टार्वेशन से उसकी मौत हो गई। ये कोई सेल्फ डिफेंस एक्ट नहीं था, इंटेंशनल टॉर्चर था, विच क्लियरली मीन्स एक बच्चे की कस्टडी लेने की क्वालिटी उसमें है ही नहीं। लेकिन जॉश ने तो ये सब देखा ही नहीं। फाइनली जब पैट्रिशिया के कंप्लेन करने पर उसकी जॉब जाने की नौबत आ जाती है, तब जाके होश लौटता है उसका। वो उसी दिन मियाँ का रिसेंट एड्रेस पता करके विजिट करने जाता है, उसे कैमरन को देखना था, लेकिन मियाँ कह देती है कि वो स्कूल गई है, इसीलिए उसे कल आना होगा। बेसमेंट में सभी उनके कन्वर्सेशन सुन पा रहे थे, खिड़की से चीखते भी है, लेकिन साउंड प्रूफ होने के कारण उनकी आवाज़ बाहर नहीं पहुँचती। और जब अगले दिन जॉश फिर से आते हैं तो उन्हें घर खाली मिलता है। एक नेबर बताते हैं मियाँ अपने पूरे फैमिली के साथ कहीं चली गई है कल रात ही। वो फिर से एक बार उनके हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन इस बार एटलीस्ट सबको पता चल चुका था उसके काले करतूतों के बारे में, साथ में ये भी कि कैमरन जरूर किसी मुश्किल में है, तभी तो उसे छुपाने के लिए मियाँ इतनी जल्दी से भाग गई। उस नेबर ने यह भी कहा कि वो टोटल 10 लोग थे, मतलब मियाँ, क्रिस, एंजेला, नैन्सी, जुआन, हर्लिन और कैमरन के अलावा भी उनके 3 बच्चे भी थे, मतलब वो बच्चे जिन्हें मजबूरन नैन्सी या जुआन को जन्म देना पड़ा था, और जिनके कस्टडियल चेक से इनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं बदलता, बस हम मियाँ को एक छोटी सी बच्ची से एक टीनेजर में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, और अभी नैन्सी की जगह उसे ही घर का सारा काम संभालना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ अभी भी उसे ढूंढ नहीं पाई, ना अभी भी खुद को माफ़ कर पाई है उस मनहूस दिन के लिए जिस दिन उन्होंने अपने बेटी को मियाँ के हाथ सौंपा था। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, अभी भी रेगुलरली मिसिंग पोस्टर्स डालती रहती है वो, इस उम्मीद में कि कभी तो उन्हें कोई क्लू मिले। लेकिन उन्हें पता नहीं था उनकी बेटी इस शहर में है ही नहीं, मियाँ उसे लेकर बहुत दूर चली गई है टेनेसी में, वहाँ एक घर में छुपी हुई है वो। उनकी हालत भी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि शहर बदलने के कारण बच्चों के कस्टडियल चेक्स बंद हो चुके थे,
और पकड़ जाने के डर से जो नए बच्चे रिसेंटली पैदा हो रहे थे उनका नाम भी सिस्टम में एंट्री नहीं कर पा रहे थे ये लोग, तो उनसे कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन एक्सपेंसेस तो बढ़ता ही जा रहा था ना। इसीलिए एंजेला सजेस्ट करती है कि क्यों ना दो बच्चों को बेच दिया जाए जिससे उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा कैश मिले। दूसरी तरफ मिया कुछ और प्लान कर रही थी। एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर उसने एक लेडी को ढूंढ निकाला था डायाना नाम से, जिसे उसमें इंटरेस्ट था। वो एक PTSD की पेशेंट थी जिस कारण से उसे भी हर महीने एक मोटे रकम का डिसेबिलिटी चेक मिलता था। साथ में वो कभी एक नर्स पे रह चुकी थी, मतलब उनका सेविंग्स भी था। ओवरऑल मिया को ये लेडी बेनिफिशियल लगता है, तो वो उसे अपने मीठी मीठी बातों से फुसला कर अपने घर ले आती है और फिर बंद कर देती है अपने बेसमेंट में। पहले तो वो बहुत चिल्लाती है, मगर जब नैन्सी और बाकी सब उसे सारा सच बताते हैं उनका दिमाग ही घूम जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जुआन के प्रेगनेंसी को देखकर उन्हें थोड़ी होप मिलती है कि उसके डिलीवर के वक्त जब वो हॉस्पिटल जाएगी तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकेगी। मगर जब उसे पता चलता है कि उसकी डिलीवरी घर में ही होती है, तब उनका वो होप भी टूट जाता है। वो समझ जाती है इस दलदल से निकल पाना आसान नहीं होगा। और फिर एक महीने बाद जब जुआन के डिलीवरी का वक्त आता है, तो उसके तकलीफ को देखकर तो डायाना की हालत ही ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसे, जिससे वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी, पुश करने की ताकत भी नहीं बची थी उसमें। ऐसे में उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन मियाँ ऐसे हालत में भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और मजबूर करती है बच्चे को जन्म देने के लिए। फाइनली बहुत दर्द सहकर एक स्टिलबॉर्न बेबी को जन्म देती है जुआन। सबको बहुत खराब लगता है उसे रोते देख, लेकिन मियाँ के अंदर तो दिल जैसा कोई चीज़ ही नहीं था। वो बहुत ही कैजुअली क्रिस से कहती है इस बच्चे को अपने बैकयार्ड में दफनाने के लिए, और इधर जुआन को कोसने लगती है एक डेड बेबी को जन्म देने के लिए, एस इफ ये उसका चॉइस था। डैन ये सब वो सहन नहीं कर पा रही थी, वो भागने की कोशिश करती है तो मियाँ उसके माथे पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। और जब उसका सेंस लौटता है तो अचानक ही उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मिया को पता था उसके इस बीमारी के बारे में, इनफैक्ट वो जब इस घर में आई थी तो दवाई लेकर ही आई थी। तो मिया कैमरन को ऊपर भेजती है वो दवाई लाने, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। डायन को दोहरे पड़ने लगे थे और वैसे ही तड़पते हुए सबके आंखों के सामने गुजर जाती है वो। और मिया ये दोष भी कैमरन पर ही डालने की कोशिश करती है, ऐसे दवाई लाने में उसने लेट कर दी। और तो और मियाँ उसे पुलिस के नाम से भी डराती है और ऐसे जताती है जैसे पुलिस को ना बुलाकर वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। मियाँ के इंस्ट्रक्शन पर डैन के लाश को भी बैकयार्ड में ही दफना दिया जाता है और उसे भुला देते हैं सभी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन इस ट्रॉमा के कारण कैमरन अगले कई रातों तक सो नहीं पाती। वो सच में खुद को गुनहगार मानने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी अपने आप पर। नैन्सी उसे समझाती है और हौसला भी देती है। एक्चुअली इस घर में आने के बाद से नैन्सी उसके लिए मदर फिगर बन चुकी थी। चोरी छुपे उसके लिए खाना लेना, एक छोटे से केक के टुकड़े से उसे बर्थडे विश करना, चोट लगे तो उसके घाव को इलाज करना, और साथ ही साथ उसे कंटिन्यूसली हौसला देते रहना। एक माँ ही तो करती है ना ये सब। टॉर्चर मार्क्स उन सबके शरीर में थे, समय के साथ साथ वो शायद ठीक भी हो जाते, मगर साइकोलॉजिकली उन पर जो टॉर्चर होता था वो उन्हें और कमजोर बना देती थी। देखते देखते ऐसे और एक साल बीत जाता है। इसी बीच नैन्सी एक और बच्चे को जन्म देती है और फिर से एक बार उनसे वो बच्चा छीन लिया जाता है। मगर नैन्सी खुद को कमजोर पड़ने नहीं देती, शायद अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ भुगत चुकी थी वो। इसलिए एक रात बातों बातों में कैमरन को उनकी स्टोरी पता चलती है, उन सब की, कैसे वो सब मियाँ से मिले, इस घर में कैद हुए, यही सब पता चलता है। जुआन जब यहाँ आई थी तब वो बहुत यंग थी, अपने घर से भाग आई थी वो, उसे किसी मदर फिगर की तलाश थी जो मियाँ ने उसे देने का वादा किया था। और हार्लन वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसे प्यार करे, उसे सम्मान करे और मैनली फील करवाए, उसके डिसेबिलिटी का मजाक न बनाए। मियाँ ने इनिशियली उसे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया था, उसे यकीन दिलवाई थी कि वो उससे प्यार करती है। और रही बात नैन्सी की, वो तो एक ड्रग एडिक्ट थी, उसे बस पैसे चाहिए थे ड्रग्स खरीदने के लिए, मियाँ ने उसे वो भी दिया। एक्चुअली मियाँ लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानती है और वो हमेशा ऐसे ही लोगों को पिक करती है जो मेंटली वर्नरेबल हो, कमज़ोर हो। वो पहले उन्हें बहला फुसला कर अपने घर ले आती है और फिर बेसमेंट में डाल के उनके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। सेम पैटर्न था उसका, हर एक के साथ यही किया था उसने,
और जब भी भागने की कोशिश करी तो उन्हें ब्रूटली मारा गया, जलाया गया, कभी बर्नर पे तो कभी सिगरेट से। इवन हमें कैमरन के चेहरे पर भी ऐसे ही बर्न मार्क्स दिखते हैं। साथ ही साथ इमोशनल डैमेज तो था ही। मिया और एंजेला कंटिन्यूसली उन्हें याद दिलाती थी वो लोग कितने बदसूरत हैं, उनसे बदबू आती है, कोई प्यार नहीं करता उनसे और ना इस दुनिया में उनकी कोई ज़रूरत है, वो तो बोझ है सब पर। ऐसे लगातार ह्यूमिलिएशन से किसी का भी दिमाग ठीक नहीं रहता। उनके साथ भी ग्रेजुअली यही हो रहा था, वो लोग अपने आप को कमज़ोर मानने लगे थे। मगर नैन्सी को पता था कैमरन ऐसी नहीं है, इतने सारे मिजरीज को झेलकर भी भगवान पर से उसका भरोसा नहीं टूटा था, शायद यही भरोसा कभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। कैमरन को यकीन था लेकिन इसके आगे जो होने वाला था वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मियाँ हमेशा कोशिश करती रहती थी और किस किस तरह से उन्हें यूज़ किया जा सके, उनसे पैसा कमाया जा सके। आइडिया तो बहुत कुछ था उसके दिमाग में, बस टाइमिंग और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। एक दिन जब वो दुकान से घर लौट रही थी तो एक ट्रेविस नाम के बंदे से मुलाकात होती है उसकी। मियाँ देखते ही पहचान लेती है ये बंदा एक नंबर का फ्रॉड है, लाए थे उसे तो बस पैसे चाहिए था शराब खरीदने का, बदले में कुछ भी करेगा वो बिना किसी सवाल के। मियाँ को भी ऐसा ही एक बंदा चाहिए था उसका एक्सटर्नल बिजनेस संभालने के लिए। वो उसे इन लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके जरिए ऐसे कुछ होटल्स को ढूंढ निकालती है जहाँ इनके लिए कस्टमर्स मिल सके, जो कि बहुत आसान था स्पेशली ट्रेविस के लिए क्योंकि उसका तो कनेक्शन था ही ऑलरेडी। तो ट्रेविस उसी रात उन लड़कियों को लेकर ऐसे एक होटल में जाकर हाजिर हो जाता है जहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रेग्नेंट है और कौन अंडर 18। उनके बदले में पूरे $790 मिलता है मियाँ को। ट्रेविस तो उसे और इनकरेज करता है कि उन्हें सप्लाई इंक्रीज करना चाहिए, डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ, वो और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये सब लगातार कई दिनों तक चलता रहता है, इनफैक्ट कई महीनों तक। इसी बीच जुआन एक और बच्ची को जन्म देती है, इसीलिए उसे थोड़ा रेस्ट मिलता है, लेकिन बाकी सबका रूटीन सेम था, दिन भर मियाँ के लिए काम करना और रात में ये सब। लेकिन उस होटल में ऑलमोस्ट हर बार नैन्सी को सेम आदमी चूज किया करता था, जिससे नैन्सी धीरे धीरे उस आदमी पर भरोसा करने लगती है। उसका बर्ताव काफ़ी अच्छा था और वो वायलेंट भी नहीं था। तो फाइनली जब एक दिन उसे पता चलता है ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो और खुद को रोक नहीं पाती, अपनी हालत बताकर उनसे मदद मांगती है और उन सबको रेस्क्यू करने के लिए कहती है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था, इस आदमी को उनके बारे में पहले से ही पता था, वो मियाँ को भी पहचानता है और उसके बिजनेस को भी। इनफैक्ट वो तो इसीलिए उससे डील करता है ताकि बाहर किसी को उसकी भनक तक ना लगे। अपने भरोसे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है नैन्सी को। वो आदमी उसे खींच कर मियाँ के घर ले जाता है और मियाँ पर चिल्लाने लगता है, कैसा बिजनेस कर रही है वो, कोई सिक्योरिटी नहीं, अगर उसकी जगह कोई और होता तो उनका भांडा तो फूट जाता ना। मियाँ इस ह्यूमिलेशन को आसानी से हजम नहीं करती, नैन्सी को अच्छा सबक सिखाती है वो। सबके सामने उसे बैट से इतना मारती है कि बेचारी बेहोश हो जाती है और फिर अगले कई दिनों तक ऊपर एटिक में रख देती है उसे, बिना किसी खाना या पानी के। वहाँ टेम्परेचर इतना हाई था कि कोई हेल्दी इंसान भी बीमार पड़ जाए तो भला नैन्सी कैसे ठीक रह पाती। एक दिन कैमरन बहुत मुश्किल से चोरी छुपे उसे थोड़ा सा खाना और पानी दे आती है, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं, किसी को याद तक नहीं रहती वो। और याद आती भी तो कब, जब उनके बिजनेस में उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो पुलिस ऑफिसर साथ में और भी कई लोग उसके बारे में पूछने लगे थे, तब जाके मियाँ को लगता है कि उसे नीचे लाना चाहिए। वो कैमरन को ऑर्डर देती है नैन्सी को नहा धोकर रेडी करने के लिए, आज रात ही उसे काम पर निकलना है। लेकिन जब कैमरन ऊपर जाती है चेक करने तो उसे नैन्सी की बेजान लाश मिलती है, वो मर चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी इस नरक जैसे ज़िंदगी से। मियाँ उसके लाश को भी अपने घर के बैकयार्ड में दफना देती है और फिर उसी रात वो घर छोड़कर अटलांटा वापस चली जाती है अपने बेटे के रेंटल हाउस में। लेकिन वहाँ मेन प्रॉब्लम ये थी कि कोई प्रॉपर बेसमेंट नहीं था, एक बहुत ही छोटा सा स्पेस था जहाँ हार्डली कोई इंसान रह सकता था, तीन लोग तो बहुत दूर की बात है। ऊपर से उस घर का लैंडलॉर्ड बहुत स्ट्रिक्ट था, क्लीनिंग पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालते थे वो, और कोई पेट तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। मियाँ को पता था वहाँ ज़्यादा दिन रहना पॉसिबल नहीं होगा, तो कुछ दिनों के लिए वो हर्लन एंड जुआन को डाल देती है बेसमेंट में और कैमरन की नई जगह होती है क्लॉजेट, वो भी एटिक में। वो जगह इतनी छोटी थी कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा था, ऊपर से तपती गर्मी, बेचारी कैमरन की तो हालत ही खराब हो जाती है।
मगर उसे मियां को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल आराम से दिन गुजारने लगती है। इनफैक्ट अगले 3 दिन तक तो उसे याद भी नहीं रहता कैमरन के बारे में, कोई खाना या पानी कुछ भी नहीं मिलता उसे। फाइनली 4th डे ट्रेविस उसकी याद दिलाता है और क्रिस जाके उसे कुछ पानी का बॉटल और एक ब्रेड देकर आता है, मगर तब तक डिहाइड्रेशन के कारण कैमरन बीमार पड़ चुकी थी। उसे बुखार था और हेलुसिनेशन भी करने लगी थी वो। उसे तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा ही या मर चुकी है। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है और फाइनली मंथ एंड पर इस घर का लैंडलॉर्ड आते हैं रेंट लेने। वो एंजेला से पूछते भी है कि आसपास के लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनके घर से बहुत बदबू आती है, कहीं उन लोगों ने कोई पेट तो नहीं रखा ना। एंजेला हंसकर बात को टालने की कोशिश तो करती है, लेकिन जाते वक्त उस आदमी की नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ जाती है जिसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो उन्हें शक होता है। वो ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और घुसते ही एक बहुत ही घिनौनी बदबू हिट करती है उन्हें। वो समझ जाते हैं नेबर्स किस स्मेल की बात कर रहे हैं। सामने ज़मीन पर एक बोल भी नज़र आता है उन्हें, जिससे उन्हें लगता है कि ज़रूर कोई डॉग या कैट होगा, तो वो मुँह से आवाज़ निकालने लगते हैं उन्हें बुलाने। लेकिन जो निकल कर सामने आते हैं उनके, उसके उम्मीद उन्होंने नहीं करी थी। हेलेन एंड जुआन को देखकर बिल्कुल चौंक उठते हैं वो, और उसी समय पुलिस को कॉल करते हैं जिससे फाइनली उनके मिजरीज का दी एंड होता है। उसी रात पुलिस अचानक से ही हमला कर देती है घर में और सबको अरेस्ट भी कर लेती है। बेसमेंट से जुआन एंड हेलेन को रेस्क्यू करने के बाद बारी आती है कैमरन की। बेचारी इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी कि पुलिस को देखकर भी कोने में छुप जाती है। बहुत समझाना पड़ता है, फिर जाके बाहर आती है वो। उसके बताने पर पेट्रिशिया को भी खबर दी जाती है और एट लास्ट ऑलमोस्ट 8 साल बाद जाके माँ बेटी एक दूसरे से मिल पाते हैं। उधर एज एक्सपेक्टेड मियाँ को एक लंबे समय की जेल होती है, लेकिन वो पिटीशन फाइल करती है बेल के लिए। जूरी के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है ऐसी वो एक्चुअल में बुरी नहीं है, वो तो उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। लेकिन किसी का चाइल्डहुड कितना स्ट्रिक्ट क्यों ना रहा हो, उससे कोई इतना इविल तो नहीं बन जाता ना। ये उसका अपना चॉइस था। तो मियाँ की यह फालतू बातें किसी को भी सच नहीं लगती, ना उसे बेल मिलता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है उसे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस मूवी के पीछे रियल लाइफ इंस्पिरेशन के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी कम्प्लीटली रियल स्टोरी बेस्ड नहीं है। बेसिकली यह स्टोरी लॉरेन कावनग नाम के लड़की से रिलेटेड है, जिसे सिर्फ 2 साल की उम्र में उसके अपने माँ बारबरा एटकिंसन ने अडॉप्शन के लिए दे दिया था। एक बहुत ही लविंग फैमिली मिस्टर एंड मिसेस कावनग ने लॉरेन को अडॉप्ट करी और अगले 6 महीने तक लॉरेन उनके साथ उनके घर में ही रही। बहुत ही खुशी खुशी, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा प्यार मिल रहा था उसे यहाँ। मगर उसके बाद ही एक दिन अचानक चाइल्ड केयर वाले आए और उसे उठाकर ले गए, क्योंकि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया था। और इसके बाद से शुरू हुआ उसका हैरेसमेंट। उसकी माँ ने तब तक दूसरी शादी कर ली थी और उसे लॉरेन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उसने उसे वापस लाने का फैसला किया था सिर्फ और सिर्फ अपने इनह्यूमन हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। घर पहुँचते ही उसने और उसके हस्बैंड दोनों ने मिलकर लॉरेन को एक क्लोज़ेट में बंद कर दिया। अगले 6 साल तक वहीं बंद रही बेचारी, कभी कभार खाना, लिमिटेड पानी, पी एंड पूप वहीं पर, ऊपर से टॉर्चर। उसकी माँ उसे क्लोज़ेट से सिर्फ तभी निकालती थी जब उन्हें उसे परेशान करना होता था। बारबरा तो उसे फिजिकली टॉर्चर करती ही थी, ऊपर से उसका हस्बैंड उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। और जब वो लोग कुछ नहीं करते थे तब वो लॉरेन को रेंट पर देते थे किसी पेडोफाइल को। नरक से भी बदतर हो चुकी थी उस बेचारी की जिंदगी। फाइनली एक दिन उनके ही किसी नेबर से पुलिस को टिप मिला कि उस घर में यह सब चल रहा है और उन्होंने हल्ला बोल दिया। लेकिन क्लोज़ेट के अंदर से उन्हें जो मिला उसे देखकर तो उनकी बोलती ही बंद हो चुकी थी। वो लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे। उन्हें एक सीवियरली मैल नरिश्ड लड़की मिली थी जिसकी उम्र तो 8 साल थी, मगर उसका शरीर एग्जैक्टली 2 साल की लड़की जैसी थी। ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 हुआ था उसका। 2001 में लॉरेन के रेस्क्यू के बाद उसे द गर्ल इन द क्लोज़ेट का टाइटल मिला था, लेकिन उसकी हार्डशिप यहीं पर एंड नहीं हुई। एट द एज ऑफ 12 उसे फिर से एक बार फिजिकल असॉल्ट का शिकार होना पड़ा, वो भी अपने ही किसी रिलेटिव से। और वो जब खुद 18 साल की हुई तब उसके ऊपर एक 14 साल के बच्चे का असॉल्ट का आरोप लगा। केस भी चला, लेकिन उसके मेंटल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए 3 साल बाद केस को डिसमिस कर दिया गया। अभी वो जेल से बाहर है और अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ टेक्सास में रह रही है, और उसकी अपनी माँ
मतलब बायोलॉजिकल मदर बर्बरा और उसके हस्बैंड केनेथ जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रही है। दोस्तों ट्रस्ट मी, ये केस इस मूवी से कई ज़्यादा भयानक है और अनबिलीवेबल भी। अगर आपको इसका डिटेल्स जानना है तो मैं एक लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे एक बार चेक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।